हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैम्स ऑन डिमांड। एज़ यू कैन सी कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ और ये मेरा जेट है, तो इसमें मैं फ्लाई कर रहा हूँ बनारस के लिए। और ये आप देख सकते हो, ये मैं बनारस के ब्लॉक के लिए जा रहा हूँ। तो बनारस में हम लोग को क्या क्या प्लेसेस अच्छे हैं, क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलेगा, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा आगे। लेट्स गो। बनारस का घाट, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ये गंगा घाट पे आया हूँ। तो सबसे पहले मैंने बनारस जाके ये काम किया था कि पहले जाके गंगा जी का दर्शन लिया था। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे घाट है, तो वहाँ पे पूजा होती रहता है और यहाँ पे महाआरती होता है गंगा का। सो ये मेरे काफ़ी ब्लेसिंग था, काफ़ी अच्छा चीज़ था कि पहले दिन ही मुझे गंगा का दर्शन करने मिला था। और फिर वहाँ से ही बाहर आके मैंने पहले ये कुल्फ़ी देखा। गर्मी का मौसम था तो काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस कर रहा था, तो आई वॉज़ लाइक कि चलो आए तो हम लोग एटलीस्ट बनारस के फूड चालू करते। तो मैंने सबसे पहला ये बनारस में कुल्फ़ी खाया था, ये मलाई कुल्फ़ी था। सो इसका अगर टेस्ट मैं बोलूँ तो इट वॉज़ ओके। ये और इसका चार्ज भी वो सिर्फ 10 रुपीज़ और 15 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सो उसके हिसाब से ये बेटर था, बट अगर टेस्ट वाइज बोलोगे तो इट्स ओके। तो जैसे ही मेरा कुल्फ़ी ख़त्म हुआ तो मैंने बाजू में देखा कि यहाँ पे लिट्टी चोखा था। मैंने आज तक मुंबई में कभी ट्राई नहीं किया था लिट्टी चोखा, बट ये देख के इनका जो जुगाड़ी भट्टी था, इन्होंने जो बाल्टी रहती है उसका भट्टी बनाया था। सो ये जुगाड़ू अंकल का जुगाड़ी भट्टी पर बाटी चोखा बन रहा था। तो मैं बोला कि अगर मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है तो ये टेस्ट करना चाहिए कैसा है, तो मैंने ये भी लिया था। और इसका प्राइस मात्र 25 रुपीज़ था, और 25 रुपीज़ में ये चोखा देते हैं। चोखा यानी वो जैसे हम लोग बोलते हैं बैंगन का भरता, और उसमें आलू भी रहता है। सो वो दो तीन आइटम को मिक्स करके उसका चोखा बनता है, और उसके साथ ये उन्होंने बाटी सर्व किया था। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने वाला था, तो उन्होंने ये मुझे बाटी फोड़ के देते हैं। और उसके साथ फिर ये चोखा सर्व होता है, और उसके ऊपर अगर आप देखो तो धनिया भी अच्छे से गार्निश किया हुआ है, और ये तीखा स्पाइसी चटनी रहता है जो मिर्ची का है, और उसके ऊपर थोड़ा प्याज। तो थोड़ा प्याज, दो बाटी चोखा, और उसके साथ तीखे के लिए और एक मिर्च। तो ये पूरा वो सिर्फ 25 रुपये में सर्व करते हैं। ये देख के काफ़ी सिंपल था दिखने के लिए, बट अगर टेस्ट में ही बोलूँ तो काफ़ी सटल फ्लेवर था। सटल जैसे आप ये देख सकते हो, अगर इसमें मुझे सबसे पहला जो टेस्ट आया वो टेस्ट था स्पाइसी जो मिर्च का था, बट वो मिर्च के फ्लेवर को जो बाटी था वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो उसका जो भी फ्लेवर था तो वो उसको स्पाइसीनेस को पूरा माइल्ड कर दे रहा था। सो 25 रुपये के हिसाब से अगर कोई आपका पेट भर रहा है, दो बाटी में आपका पेट फॉर श्योर भर जाएगा, ये इतना हेवी रहता है। और उसके साथ आप चोखा रिपीट भी ले सकते हो। तो इसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 25 रुपये में पेट भर गया था भाई। तो नेक्स्ट लोकेशन था ये मेरा दादा फास्ट फूड। ये दादा फास्ट फूड में हमें रोल्स मिलते हैं, चिकन रोल, एग रोल, पनीर रोल, चाउमीन रोल, ऐसा बहुत सारे। और ये दादा का स्पीड पे मैं ज़्यादा फिदा हो गया था, इतना फास्ट ये कुक करते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्पीड में अगर इनको कॉम्पिटिशन में डालेंगे तो ये नो डाउट किसी ना किसी स्पीड वाले कॉम्पिटिशन में जीत जाएंगे। तो ये दादा फास्ट फूड दिन के कम से कम 350 या फिर 400 रोल बेचते हैं, और उसका कुछ प्राइस 50 और 60 ऐसा कुछ समथिंग है चिकन रोल का, और वेज रोल स्टार्ट होता है 30 से। तो यहाँ पे मैंने ये टेस्ट किया था, सादा एक नॉर्मल चिकन रोल लिया था, जो कि हम लोग यूजुअली मुंबई में फ्रैंकी बोलते हैं, चिकन फ्रैंकी। ये सिमिलर ही है, बट सिर्फ बनारस में उसे रोल कहते हैं। तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो इसका पूरा वीडियो एक अलग से मैंने इसका ब्लॉग शूट किया है, तो ये वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो ऊपर आए बटन में आपको ये वीडियो वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। तो ये अगर वीडियो पूरा नहीं देखा रहेगा तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बट इसमें गरम मसाले सबसे ज़्यादा यूज़ हुए थे। तो चिकन वेल कुक था बट स्पाइसीनेस थोड़ा ज़्यादा था। तो मैं अगर प्रीफर नहीं करता हूँ कि अगर कोई स्नैक्स खा रहा हो तो वो इतना स्पाइसी रहे, बट यस टेस्ट में अच्छा था। जो अंडे का लेयर था, कोटिंग था, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आई मस्ट से कि अगर आप बनारस में गए हो तो ये मडुवाड़ी
चौक के यहाँ पे ये दादा फास्ट फूड, और इनका बहुत ज़्यादा सेल होता है रोल, ये फॉर श्योर है। तो अगर आप कभी बनारस गए तो दादा फास्ट फूड में ये रोल ज़रूर ट्राई करें। और ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। और साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, सैमसॉन डिमांड पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें, ताकि मैं ऐसे कुछ नए नए और टेस्टी एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहूँगा। और ये आप देख सकते हो रात का समय गंगा के अंदर, हर हर गंगे। और यह है बनारस की खूबसूरत कोठी, गुलरिया कोठी। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे स्टे करते हैं, इवन रणवीर और आलिया, इनका भी जो ब्रह्मास्त्र मूवी है उनका जो शूटिंग चल रहा था बनारस में, तो वो भी यहाँ पे ही स्टे कर रहे थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है रात का समय और सुबह का समय, बनारस में एक अलग ही माहौल क्रिएट करता है, काफ़ी एक सुकून देता है। और फिर हमने बाहर आके ये बादल ठंडाई में ठंडाई पी। यहाँ पे हमने कहा था कि इसके अंदर भांग मत डालना, तो भी ये लोग इन्होंने डाल दिया था ऐसे ही मजाक मस्ती के लिए, बट वो काफ़ी माइनर डाला था तो उसमें कोई नशा नहीं हो रहा था। बट टेस्ट जो ठंडाई का है, आहा, बनारस में आप अगर जाओगे तो ठंडाई और स्वीट डिश आप जितना खाओगे उतना कम है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैमाने में बिकता है दूध का आइटम और दूध की वैरायटीज जो भी रहेगी। और ये लोग काफ़ी बनारस में काफ़ी लोग शौकीन है मीठा खाने के, तो मैंने यहाँ पे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे ठंडाई ट्राई किया था। मस्त ट्राई विश्वनाथ का ठंडाई साइड नहीं था, टेस्ट आई लव दिस। और इसका काफ़ी माइल्ड था, केसर पिस्ता था मेरा कुछ, और स्पेशल था उनका, ये स्पेशल आइटम था तो ये मैंने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था। और ऊपर से गाढ़ी मलाई भी डालते हैं, सो लव्ड इट। आप भी अगर गए तो काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आप ज़रूर यहाँ पे विजिट दीजिए। ओए भाई, ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, बाटी चोखा, वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट और काफ़ी ज़्यादा फेमस इन बनारस। क्या क्राउड रहता है यहाँ पे, और इनका जो प्लेटिंग है, ओहो, आई लव्ड इट, टोटली लव्ड इट। जैसा वो सर्व करते हैं, जैसा उन्होंने ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट रखा है, बाटी चौका ओवरऑल अगर पूछोगे, अगर एम्बियंस वाइज, फूड वाइज अगर पूछोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सही और काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, आई लव्ड इट। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो आपको वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका टेस्ट मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत सही था। और जिसको अगर घी पसंद है तो आप ऐसा समझ लो कि आप घी में नहा लोगे, ये इतना घी सर्व करते हैं कि कोई चॉइस ही नहीं है कि आपका मोटापा, अगर आपको अगर अगर आप पतले हो तो आप ज़रूर मोटे हो जाओगे। और ये मेरी फ्रेंड थी सुचिता, इन्होंने भी ये टेस्ट किया तो उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो जैसे ही ये बाटी चौका का छोटा एक अलग से रेस्टोरेंट है, यहाँ पे थाली सर्व नहीं होता है, यहाँ पे अलग कार्ड मेन्यू है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। और जो दूसरा था जहाँ पे मैं गया था वहाँ पे सिर्फ थाली सर्व होता है, तो यहाँ पे मैंने आया था, मैं यहाँ पे स्पेशली स्वीट खाने के लिए आया था। तो ये स्वीट में आप देख सकते हो ये गुलाब जाम है, और ये इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है जैसे कि हमारा बर्गर बन रहता है, ये इतना बड़ा था। तो वो देख के मैं शॉक हुआ था और मुझे लगा कि ये मैं आराम से ख़त्म कर दूंगा, बट मैंने जब ये वो खाया, इट्स मेल्ट इन माउथ, काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। बट अगर सच कहूँ तो ये एक जन से ख़त्म होने वाला गुलाब जामुन नहीं है, कम से कम 3 से 4 जन चाहिए इसको ख़त्म करने के लिए। इसके अंदर इतना खोया था कि वो बहुत हैवी हो रहा था, बट अगर टेस्ट में नो डाउट इट्स टोटली वर्थ इट। जैसे गुलाब जाम बड़ा था वैसे ये राजभोग भी बड़ा था, जो रसगुल्ला हम लोग बोलते हैं उसके अंदर कुछ स्टफ़ होता है तो उसका ये राजभोग बनता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज था। और इसका प्राइस मात्र 25 रुपये था, और जो ये था गुलाब जाम हम लोग का इतना बड़ा, उसका प्राइस 100 रुपये है। पहले उसका गुलाब जाम का 50 रुपीज़ था, बट अभी उसको बढ़ा के उन्होंने 100 रुपये कर दिया है। बट अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे गुलाब जाम अच्छा लगा कि ये छेने वाला राजभोग, तो मैं बोलूँगा राजभोग, क्योंकि मुझे ओवर ज़्यादा मीठा पसंद नहीं आता। इसका टेस्ट काफ़ी सटल था और काफ़ी प्यारा था, सो आई लव्ड इट। आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा ज़्यादा करके, आप ये ट्राई करो यहाँ पे। और ये था भाई मेरा नेक्स्ट लोकेशन, तांबुलम नंदेसर पान वाला।
ये फेमस इसके लिए यहाँ पे क्योंकि जब भी डॉन का शूटिंग चल रहा था कि कोई मूवी का शूटिंग चल रहा था तभी हमारे बॉलीवुड के खान जो किंग खान है शाहरुख खान सर उन्होंने यहाँ पे पान खाया था। तो यहाँ का जो पान वाला जो ओनर है उनका फ़ोटो भी उनके साथ है तो उनके लिए यहाँ से ही पान जाता था तांबुलम से। तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है शाहरुख खान सर के वजह से। और अगर आप बनारस गए हो तो वो गाने में सुना है आपने खाई के पान बनारस वाला, तो ये सच बात है। अगर आप बनारस जा रहे हो और पान नहीं खा रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, आपको हर नुक्कड़ पे एक तो मिठाई वाला मिलेगा और दूसरा पान वाला मिलेगा। जगह जगह पे इतना पान सब होता है अभी क्या ही कहूँ मैं। तो आपको जहाँ जाओगे हर एक का स्पेशलिटी अलग है पान में। तो मैंने बहुत सारे जगह का पान ट्राई किया, एक 6 रुपये वाला भी मीठा पान खाया और ये 70 रुपये वाला 40 रुपये वाला भी मीठा पान खाया। सबका टेस्ट अलग है, बट 6 रुपये वाला बोलो या फिर 50 रुपये वाला 60 रुपये वाला सबका टेस्ट औसम था औसम। ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने इसमें डाली थी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमारे गए थे ये पान के अंदर। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था ये पान। जैसे कि आप ये देख सकते हो चांदी की परत के साथ ही यहाँ पे पान सा होता है मीठा पान, तो ये काफ़ी ज़्यादा रॉयल लग रहा था। तो ये मैंने कंज्यूम किया था और टेस्ट में आई लव्ड इट। और यहाँ पे मैंने सीखा कि पान को चबाया नहीं जाता, यहाँ पे साइड में रख के उसको धीरे धीरे कंज्यूम करना रहता है, उसका जो जूस रहता है वो टेस्ट करना रहता है। ये पान की खासियत है, पान खाने वाले को ही पता कैसे खाना रहता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था बट आई लव्ड इट। उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे चिली कैपिटल पे, यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था चिकन चिली और ये इनका मेन्यू था। मेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो ये शेफ़ ने उनका चिकन चिली का प्रिपरेशन चालू किया था शिमला मिर्च अनियंस ये सब लेके हमारे चिकन चिली का प्रिपरेशन हो रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर टिक्के का स्टफ भी बहुत क्लासी था, पनीर के भी ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस स्लाइस भी अच्छे से रखते हैं वो। तो मुझे अच्छा लगा था यहाँ पे ये देख के कि क्लाउड किचन में इतना अच्छे से मेकिंग हो रहा है। और इन्होंने हमें वीडियो भी बनाने दिया उनके मेकिंग का, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। तो ये चिली कैपिटल में हमारा ये प्रिपरेशन हो रहा है चिली का, और इसका मैं स्वाद क्या ही बोलूँ। अगर सच बोलूँ तो इंडिया में अगर हम लोग को कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और कुछ अच्छा खाना खाना है तो आप इंडिया के कोई भी कोने में चले जाओ और वहाँ पे चाइनीज़ ऑर्डर करो। तो चाइनीज़ फूड मेरे हिसाब से इंडिया में सबसे अच्छा सेल हो रहा है और सबसे अच्छा चीज़ बनता है कुकिंग में बिना कोई मिस्टेक के, तो वो चाइनीज़ ही है। तो मुझे पता नहीं बट किधर भी चले जाऊँ वहाँ पे मैं चाइनीज़ खा ही लेता हूँ कोई भी जगह पे, और उसका टेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सो आई लव्ड इट। ये चिकन चिली भी काफ़ी प्यारा था, आई लव्ड इट। सो उनके शेफ़ को मैंने हैट्स ऑफ भी बोला था, थैंक यू बोला था क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा चिली बना के दिया था। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर, कीप लविंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए टेस्टी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। सिया। थैंक यू शेफ।